जे एंड के कठुआ में 8 वर्षीय बच्ची आसिफा से बलात्कार और फिर उसकी हत्या के मामले में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 6 लोगों को दोषी करार दिया है, जबकि मुख्य आरोपी सांजीराम के बेटे एवं साथ में आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए सरकारी वकील ने कहा है कि माननीय अदालत ने 6 लोगों को दोषी करार दिया है, सांजीराम के बेटे विशाल को बरी किया गया है। इन 6 आरोपियों में सांजीराम, दीपक खजूरिया और प्रवेश को उम्र कैद हुई है, वे 1 लाख का जुर्माना हुआ है, जबकि अन्य 3 आरोपी तिलकराज, आनंद व सुरेंद्र कुमार को 5 साल की कैद व 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है। देखिए, बहुत ही बैफलिंग जजमेंट है। हमारा ये मानना है पूरे केस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद कि इट इज़ अ बैड जजमेंट, ये ख़राब जजमेंट है, एक प्रेजुडिस्ड जजमेंट है। क्या कारण रहे क्या नहीं रहे उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। आपको सब पता है किस तरीके से मीडिया ट्रायल इस केस का चला, किस तरीके से राजनीति इस केस में हावी हुई, किस तरीके से चीफ मिनिस्टर ने एक कम्युनल पोजीशन हासिल करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन को भी प्रेजुडिस किया। अनफॉर्चुनेटली ये गलत जजमेंट आई है। इस जजमेंट को हम हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा में चैलेंज करेंगे, लीगल रेमेडीज हम एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, जजमेंट आई है जिसमें 7 में से 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है, एक विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया गया है। और विशाल जंगोत्रा को बरी करना ही ये केस को एंटायरली डिमोलिश करता था। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है समझना कि किस तरीके से जो प्रोसिक्यूशन का केस है, जो कहता है कि बाप मास्टरमाइंड इसलिए बना क्योंकि विशाल जंगोत्रा कोई क्राइम कर बैठा था, तो जब विशाल जंगोत्रा को लेके कोर्ट ने कह दिया कि वो वहाँ पे था ही नहीं, उसने क्राइम में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो ये बहुत एक बैफलिंग हमारे लिए है अभी समझना, अनटिल अनलेस हमारे को एक कॉपी प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से सांजीराम जी को कन्विक्ट कर दिया, प्रवेश को कन्विक्ट कर दिया और बाकी 6ों को कन्विक्ट कर दिया। Myself Jagdishwar Kumar Chopra, presently posted as district attorney at Pathankot and special public prosecutor along with Mr. Basra, Mr. Harminder Singh and Mr. SS Bhupinder Singh. Kindly sir, brief in Hindi. ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਪੋਸਟਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਪੋਸਟਡ ਹੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, फिर भी मुझे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस में लगाया गया, साथ में एसएस बसरा जी को, श्री भूपिंदर सिंह जी को और श्री हरमिंदर सिंह जी को, ये जम्मू कश्मीर के एसपी रैंक के ऑफिसर हैं। तो हमारी 1 साल की मेहनत के बाद जज साहब ने जो आज वर्डिक्ट दिया, इट इज़ विन टू द सोसाइटी, इट इज़ विन, ये जो जीत है सब की आपकी है, समाज की है, और इसके लिए मैं क्राइम ब्रांच को और सबको इसके लिए बधाई देता हूं और जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले यह मैं बताऊंगा कि दीपक खजूरिया, 3 अक्यूज्ड हैं, दीपक खजूरिया, प्रवेश कुमार और सांजीराम, जिनको अदालत ने 302, 120 बी कॉन्स्पिरेसी, 376 डी गैंगरेप, 376 511 अटैम्प्ट टू रेप, 328 कोई नशीला पदार्थ किसी को देना उसके लिए, 363 किडनैपिंग अगवा करना, 201 गवाही को ख़राब करना, 343 कन्फाइन करना के लिए दोषी करार दिया। और उसके साथ साथ 302 में अदालत ने उम्र कैद की सज़ा, साथ में 1,00,000 रुपया जुर्माना, अगर ना देने की सूरत में 6 महीने की और सज़ा, फिर 120 भी कॉन्स्पिरेसी में भी लाइफ की सज़ा है और 50,000 रुपया जुर्माना है। 376 डी में रेप में 25 साल की सज़ा है, 50,000 रुपया जुर्माना है। 328 में 10 साल की सज़ा है और 50,000 रुपया जुर्माना। 363 में 7 साल की सज़ा, 50,000 रुपया जुर्माना। 201 में 5 साल की सज़ा है और 50,000 रुपया जुर्माना। 343 में 2 साल की सज़ा है, 20,000 रुपया जुर्माना। और ये तीनों ये अक्यूज़ जो हैं, मुलजम हैं, प्रवेश कुमार और सांझी राम की यही सज़ा है। प्रवेश कुमार की सज़ा अलग से जज साहब ने ऐड की है, 376 डी गैंगरेप इज इक्वल टू 511 अटेम्प्ट टू रेप, उसमें 10 साल की सज़ा, 25,000 रुपया जुर्माना। इसके साथ साथ तिलकराज, आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार को दोषी करार दिया 201 में डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए, उसमें 5-5 साल की सज़ा 1-1 को दी गई है, साथ में 50,000 रुपया
जुर्माना लगाया गया है। विशाल जगलोत्रा को इसमें अदालत ने बरी कर दिया, एली बाई की अपील पे कि ये वहाँ पेपर दे रहा था जो कि हमारी थ्योरी के विरुद्ध है। इसके लिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील करेंगे और एनहांसमेंट की जजमेंट जो तीन अक्यूज हैं तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरेंद्र कुमार, इसकी एनहांसमेंट के लिए भी अपील करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपका सवाल है, लाइफ टिल डेथ।